यहाँ से हम आए थे अंदर, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कुत्तों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो खुले आते जाते रहते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं उनके, भगवान के भक्त माने जाते हैं भैरव बाबा के। आपने दर्शन कर लिए अंदर, पंडित जी गए थे तो मैंने बना ली वीडियो वहाँ से। मुझे अंकल एक दिखा तो रहे थे उंगली, पर मैंने बना ली जैसे तैसे। तो अब बाकी नीचे का नज़ारा देखेंगे, मैं भी थोड़ा दर्शन कर लेता हूँ अच्छे से, और थोड़ा प्रसाद वगैरह। इधर से ले लो, इधर इधर आओ। मेरा अब आए थे, हमने दर्शन किए। आप देख सकते हो कि पूरा कोहरा छा चुका है, हमने पहले ही वीडियोस बना ली, हमारे लिए ठीक हो गया, नहीं तो कोहरे की वजह से तो बहुत मुश्किल हो जाता। अभी आप देखोगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा कोहरा हो चुका है, बादल कह लो कोहरा कह लो पूरा ढक चुका है, वाइट दिल का है सारे के सारे। तो ऐसे ही है, ये ऊपर आने का रास्ता है, यहाँ से ऊपर आते हैं सब, और ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता यहाँ से भी है और आगे से भी। और मैं अपने साथ में जिसको लेके आ रखा हूँ, ये है वो, वहाँ से यहाँ पे अपने में ही बिजी रहते हैं। अब चलते हैं नीचे के लिए, नीचे का रास्ता यहाँ से। चलो तैयारी कर ली इन्होंने, बैग बुक पैक कर लिया भैया, तो नीचे को चलते हैं। जैसे मैं बता रहा था, ये देखो ये अभी आए हैं, तो उनके साथ में ये साथ में ही चल रहा था जो मैंने बोला था, आप देख सकते हैं। और एक हमारे साथ भी आ रहा था, पर वो कोई और आ गया तो उनके साथ निकल गया आगे, उसने बोला तुम खुद ही आ जाओगे। और ये आज आज ही तैयारी में रहते हैं हमेशा। तो ये हम यहाँ से नीचे आ गए, ये रहा मंदिर पीछे, और हम नीचे जा रहे हैं अभी। अभी जो आपको थोड़ी देर पहले मैं व्यू दिखा रहा था इतना अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे तो पूरा धुंधला हो चुका है, यही हाल है। ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ का, क्या मौसम हो रखा है, ठंडी हवा चल रही है और धूप लगी हुई है। ये पता नहीं उत्तराखंड में ये भोजपुरी कहाँ से पैदा हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आती इसकी बात है, इसको बिहार में होना चाहिए था। वाह क्या व्यू है यार, व्यू देखने वाला है, आंखों से जो देख सकते हैं ना वो DSLR और कैमरा कुछ नहीं कर सकता, सच बात है। व्यू देखो आप, मस्त व्यू है यार। तो अब तो कुछ नहीं है, अब नीचे जाएंगे, ये नीचे का रास्ता, अब साइड हो यार इधर, ये नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ से सीधा नीचे जाएंगे और फिर वहाँ से देखते हैं कुछ खाने को मिलेगा तो, कुछ मैगी वगैरह बोलते हैं मिलती है वहाँ पे, तो वो खाएंगे। और खाएंगे तो क्या, अपना तो फास्ट है यार, आज एकादशी है आज, अपना फास्ट है। अरे धुलंदर बंदे भाई, व्रत में ही कढ़ाई पूरी, टेंशन क्या है, इसको खिलाना है, इसको खिलाना पड़ेगा कुछ, देखते हैं फिर। ये मंदिर का ऊपर का रास्ता, अभी हम ऊपर ही है मंदिर में, थोड़ा फोटो वगैरह खींच रहे थे, तो अब जाएंगे यहाँ से नीचे सीधा। और इसका आने का रास्ता क्या है सब है मैं आपको बताऊंगा आराम से लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कैसे कैसे आना है, क्या करना है। बहुत सुंदर मंदिर है, आना ज़रूर एक बार दर्शन करने। और मेनली यहाँ पे लोग इसलिए आते हैं, व्यू तो है ही देखने का बहुत सुंदर, पर मेनली लोगों का आने का कारण यहाँ पे ये है कि बोलते हैं कि यहाँ पे चुन्नी बांधी जाती है मंदिर में, घंटा चढ़ता है और भी बहुत कुछ चढ़ता है, मैं आपको बताऊँगा। और आप जो भी मन्नत मांगो यहाँ पे, मन्नत मांग के जाओ और बोलो कि मैं घंटा चढ़ाऊँगा यहाँ पे, तो वो मन्नत आपकी पूरी होती है, और काफ़ी लोगों की हुई है तभी आते हैं, और हम भी इसीलिए आए हैं। तो ऐसा आप है, आप भी आए लाइक मन्नत करें, मांगे, चुन्नी बांधे, और जब मन्नत पूरी हो जाए तो भेंट चढ़ाएं, और भेंट तो वैसे भी चढ़ती है कैश वगैरह, और घंटा चढ़ाने की यहाँ पे बहुत मान्यता है, घंटा आप चढ़ाएं जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब, और पूरी होती है ऐसा मेरा मानना है। वो आपकी स्टोरी में समझाऊंगा, अभी बता देता हूँ, मैं स्टोरी सोच रहा था आपको बताने के लिए, कि ऐसा है कि जब मैं पैदा होने वाला था, एक्चुअली यहाँ से थोड़ा सा दूर वहाँ पे कहीं पे मेरा गांव है, वहाँ से मंदिर का हिल टॉप दिखता है, मंदिर दिखता है। तो मेरी मैं जब मम मेरी मम्मी के पेट में था, तो मेरी मम्मी ने बोला कि
यहाँ पे बोला था कि मेरा लड़का हो जाएगा तो मैं यहाँ पे भेंट चढ़ाऊंगी, और बहुत दिल से मांगा था क्योंकि पहले मेरे दो सिस्टर्स हैं बड़ी, तो उनकी वजह से गांव में पहले वो होता था सिस्टम थोड़ा बहुत ऐसा लड़की लड़कों वाला, तो उन्हें थोड़ा ताने वगैरह सुनने पड़ते थे गांव के लोगों से भी और घर से भी, तो उस वजह से उन्होंने सोचा कि हाँ, और उन्होंने मन्नत मांगी और वो मन्नत पूरी हुई। तो जब मैं 10 साल का या 7-8 साल का कुछ था तब मैं आया था यहाँ, बहुत छोटा था, तो यहाँ हमने मन्नत का चढ़ाया था प्रसाद जो भी मेरी माता जी ने बोला था, मैया ने बोला था, तो ऐसी मान्यता है भैया पूरी हो जाती है, हम जीता जाता सबूत है आपके सामने, तो आना जरूर। लगभग पहुँच ही चुके हैं हम नीचे, थोड़ा सा रह गया, यहाँ से आपको दिख रही होगी वो रोड है, वो रही मेन रोड, वहाँ से हम नीचे को जाएंगे, वहाँ से कोई बस वगैरह मिल जाएगी, बस भी मिल सकती है और जीप भी मिल सकती है, वैसे पर्टिकुलरली यहाँ पे है नहीं है पक्का कि हाँ मिलेगी, या स्टैंड बस स्टैंड वगैरह या कोई ऑटो स्टैंड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कितनी जल्दी मिलती है। वैसे मेरा फ़ोन की जो बैटरी है वो ख़त्म हो चुकी है, इसका चार्ज बिल्कुल 25% कुछ रह गए, तो बाकी की वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा घर में जाके, वहाँ से आपको सारा बता दूंगा कैसे कैसे है। ये हम जा रहे हैं, ये यहाँ से फिर नीचे ऐसे जिगजैग में ही है रास्ते सारे, व्यू तो बहुत डेंजर है भाई। फाइनली हम नीचे आ चुके हैं, एनर्जी बिल्कुल नहीं है, और आप देख सकते हैं ये रहा जहाँ से हमने शुरू किया था गेट, कहाँ है यार ये, और आप थक चुके हैं बुरी तरह, जानी है यहाँ पे कुछ खाने के लिए, यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह हैं और कुछ नहीं, वीडियो को यहीं पे बंद कर रहा हूँ, घर में जाके बात करेंगे यार, थक गया। दोस्तों आप देख सकते हो ये कुत्ता हमारे साथ काफी देर से चल रहा है, आप पीछे देखोगे अगर पीछे पूरी रोड खाली है, कोई नहीं है, कोई भी मतलब आने जाने वाला नहीं है, मैं हूँ, ये आजाद जा रहा है इस रास्ते पे, देख सकते हो ये हमारे साथ ही चल रहा है, पता नहीं क्या मान्यता के हिसाब से जो बोलते आ रहे हैं उससे कुछ रिलेटेड है कि नहीं, पर ये काफी देर से हमारे साथ चल रहा है, मंदिर से नीचे तक आया, अभी यहाँ पे भी चल रहा है क्योंकि हमें अभी यहाँ पे मिली नहीं है, जीप वगैरह कुछ है नहीं है, तो हम बोल रहे हैं कि इससे अच्छा पैदल ही चलते हैं, जो हमारा सेकंड स्टॉप था गुमखाल वो 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है 5 किलोमीटर दूर का, और ये भाई साहब डॉगी जी भी हमारे साथ ही चल रहे हैं, ये देखो मस्त है, जहाँ हम रुकते हैं वहाँ रुकता है, जहाँ हम चलते हैं तो वहाँ चलता है, ये देखो ये देखो, पता नहीं कोई नहीं है, पूरी सड़क खाली है, यहाँ भी देखो हम चल पड़े हैं तो चल रहा है हमारे साथ, अभी हम रुक जाएंगे, रुक जा आजाद, रुक जा, रुक रहा है पीछे आ पीछे, अभी हम पीछे आ गए हैं, देखते हैं हमारे पीछे आता है कि नहीं, बड़ी बताओ
देख सकते हैं, हमको 2 मिनट हो चुके हैं यहाँ रुके हुए, वो भी वहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा, फिर आ गया हमारे पास ही। और अब चलते हैं तो चलने लग जाएगा, आ जा। देख सकते हो आप, अब हम चलने लग गए हैं, गाय भी है यहाँ पे, तो ये नज़ारा आप कुछ देखेंगे तो आप इसको भी देखिए, ये देखिए चलने लग गया है। अब हम चलते जाएंगे, हमारे आगे आगे जाया जाएगा। कहाँ तक? आई डोंट नो।